नमस्कार, खबर समय जगत में आपका स्वागत है। मैं हर्षिता जौहरी। आइए नजर डालते हैं देश प्रदेश से जुड़ी तमाम खबरों। पार्टी एक और कोरोना धीरे धीरे पार्टी में अपने पैर पसार रहा है, वहीं लोग इस बात को समझने को तैयार नहीं। ऐसे में प्रशासन को इस ओर ध्यान देने की आवश्यकता है। कोरोना का पार्टी में दस्तक देने के बाद लगातार संख्या में इजाफा हो रहा है। जिले में लगे 3 दिन के पूर्ण लॉकडाउन के बाद आज बैंक ऑफ इंडिया की शाखा के बाहर ग्राहकों की लगी भीड़ के बीच शारीरिक दूरी का उल्लंघन दिखाई दिया। लोग इस महामारी को लेकर जागरूक नजर नहीं आ रहे थे। लॉकडाउन में प्रशासन रोड पर आकर अनेक प्रकार की कार्यवाही करता है और लॉकडाउन खुलने के बाद प्रशासन नजर नहीं आता। बैंक में रुपए निकालने आए लोगों के बीच ना तो कोई सोशल डिस्टेंस था और ना ही किसी ने मुंह पर मास्क लगाया था। सुबह 6 बजे से बैंक बाहर सैकड़ों संख्या में लोगों की भीड़ जमा हो जाती है, जिसमें पुरुष व महिलाएं शामिल हैं। बैंक ऑफ इंडिया में प्रतिदिन पाटी विकास खंड के लगभग 100 से अधिक ग्रामों के लोग यहां अपना पैसा निकालने आते हैं। यहां पर सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ रही हैं। ऐसे में प्रशासन को लोगों में जागरूकता फैलाने की आवश्यकता है। जब इस संबंध में मीडिया कर्मी ने बैंक प्रबंधक आरके वर्मा से बात की तो बैंक प्रबंधक ने कहा कि लोगों को खुद से जागरूक होना पड़ेगा, हमारी तरफ से पूरी व्यवस्था है पर लोग समझने को तैयार नहीं। बैंक के बाहर लगी लापरवाही भरी भीड़ कोरोना को आमंत्रण देते नजर आ रही है। वहीं अत्यधिक भीड़ के कारण यातायात बाधित नजर आ रहा है। बैंक ऑफ इंडिया की शाखा का मुख्य मार्ग पर होने से लोगों की भीड़ सड़कों तक आ गई है, जिसके कारण यातायात बाधित नजर आ रहा है। वहीं वाहनों को गुजरने में कठिनाई देखने को मिल रही है। खबर समय जगत के लिए पार्टी से नितिन वर्मा की रिपोर्ट। फॉर लेटेस्ट न्यूज सब्सक्राइब टू अवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकॉन।